के गोलगप्पे बन के तैयार हैं, आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और प्रोसेस पूरा आगे वीडियो में देखें। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में एक क्विक रेसिपी बता रही हूँ गोलगप्पे दही चटनी के। तो सबका अपना अलग तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है, आसान है अगर आपके पास गोलगप्पे हैं तो। अगर आपके पास मटर नहीं है, मेरे पास तो मटर थी, बॉयल्ड मटर जो सिंपल सी पीली वाली होती है, उसको उबाल के रख लिया था तो रखी थी। अगर नहीं है तब भी आप बना सकती हैं बॉयल आलू के साथ। तो इसमें आप सब में ऐसे करके एक तरफ से सारे गोलगप्पे में मटर भर दीजिए, ऐसे भर दीजिए सब में, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अगर आलू है बॉयल तो आलू डाल दीजिए। बहुत आसान रेसिपी और अच्छी और बहुत चटपटी होती है और बहुत टेस्टी लगती है, मिनटों में बन जाती है। कोई आ गया है आपके पास मेहमान, चटनी अगर आपके पास बनी हुई रखी है, मीठी चटनी खट्टी चटनी बना के घर में फ्रिज में रखी है, तो फटाफट आप अपने गेस्ट का स्वागत कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी आसान रेसिपी है। तो देखिए मैंने डाल दिया है सब में। अब करने के बाद क्या करना है, बहुत आसान। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे कि ये दही जो है, ये फिटी हुई दही है, हमने रखी हुई है, इसको ऐसे इसमें डाल देंगे, सब में भर देंगे जितनी गोलगप्पे हैं, और सब में आप फिटी हुई दही डाल दीजिए अच्छी तरीके से। अब दही नहीं रहेगी अच्छे से तो फिर वो अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि दही और चटनी का ही मेन वो है। अच्छा, अब ये हो गया। अब उसके बाद हम ये मीठी चटनी, इमली की चटनी है, एक एक चम्मच सब में डाल देंगे। ये देखिए बहुत चटपटी, बहुत अच्छी और मिनटों में बनने वाली, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग होता है, तो मैंने इसलिए ये देखिए हम पूरी चटनी डाल दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी है तो सब में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। डाल दिया। अब ये हरी चटनी, मेरे पास ग्रीन चटनी है धनिया की, इसको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी होती है तीखी होती है, तो थोड़े थोड़ा डालेंगे, लेकिन उससे कलर भी आ जाता है चटपटा और स्वाद भी आ जाता है, इसलिए डालेंगे सब में। डाल लिया। अब इसके ऊपर मसाले, अब ये देखिए ये चाट मसाला सबके ऊपर डाल दिया। ये काला नमक डालिए, चाट मसाला डालिए, भुना जीरा पाउडर ज़रूर डालिए, इससे भी चाट का मज़ा आता है। सब में डाल दीजिए और फिर ज़रा सी लाल मिर्च, ये देखिए लाल मिर्च से इसकी ब्यूटी बढ़ जाती है चाट की। ये सब में डाल दिया, ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है, देखा, ये बन गया। अब ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पीनेस लाने के लिए, ये मठरी है मेरे पास, तो वो मठरी को तोड़ के डाल देंगे। अगर मठरी नहीं हो तो आप महीन वाले सेब डाल दीजिए, कोई नमकीन हो वो डाल दीजिए, उससे इसकी स्वाद बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए सब बन के तैयार हो गया। अब इसको हम सर्व करने के लिए तैयार है। आप इस तरह सर्व करिए, खाइए, खिलाइए सबको, परोसिए और सब तारीफ करेंगे, कितनी आसान मिनटों में बनने वाली रेसिपी बन के तैयार है। ये देखिए मेरी पापड़ी, अरे गोलगप्पे दही चटनी के बन के तैयार हैं। आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।